इतनी जल्दी यहाँ आया कैसे? आज सुबह तो बात की थी ना? कल सुबह बात की थी यार, जिसके 5 मिनट बाद कोई ड्रंक लड़का तुम्हारा फोन उठाकर मुझे कह रहा है कि मैं कतार में हूँ। But I told you to back off. बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? और तुम एक ब्रेक के साथ डील क्यों नहीं कर पा रहे हो? बस प्रॉब्लम आई तो उठा के फेंक दिया, that's a quick fix. ये करना तुम्हारे लिए इतना आसान है? आज हम आपके मनोरंजन के लिए लाए हैं दीपिका पादुकोण और इमरान खान की डिफरेंट लव स्टोरी। ब्रेक के बाद क्या है? सुसू आ रही है, जाओ या रुकी रहो। आलिया यानी दीपिका पादुकोण और अभय गुलाटी यानी इमरान खान दोनों अच्छे दोस्त हैं। आलिया अभय को गुलाटी के नाम से पुकारती है। वे दोनों ये भी नहीं जानते कि उनके इस रिश्ते को वो क्या नाम दे। प्ले कर रही है? ठीक प्ले। Which means आयशा आंटी को डेफिनेटली पता नहीं। बताने का क्या फायदा, एक्टिंग सुनते ही शिल्पी का। इस वन शो प्रगति मैदान में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे तो पता है ना, बता दे आंटी को, खत्म कर, क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज कर रही है? हनीमून ही मनाते रहोगे? पम्मी बुआ, शादी कब कर रहे हो? सोचा अपनी चुड़ैल से कह कि ऐसी सोचती रहेगी तो मेरे जैसे रह जाएगी। डोंट बी, आपको इतनी जल्दी है तो आप ही कर लीजिए। आलिया एम्बिशियस है, वो खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ना चाहती है और अभय बचपन से आज तक आलिया को अपना प्यार समझता आ रहा है। गुड न्यूज, मुझे एडमिशन मिल गई है। बैड न्यूज, आयशा मेरे गोल्ड कोस्ट जाने के खिलाफ है। एक सेकंड, तू ऑस्ट्रेलिया जा रही है? ऑब्वियसली नॉट, जाना चाहती हूँ पर आयशा कहाँ जाने देगी। तूने अप्लाई कब किया? 3 महीने पहले। इट वॉज अ लॉन्ग शॉट, आई मीन आई डिडंट थिंक एडमिशन मिलेगी और सोचा था तुम दोनों को बाद में बताओ। एयरपोर्ट से मैं तेरी लाइफ में कहाँ फिट होता हूँ आलिया? तुम अपनी ही लाइफ में कहाँ फिट होते हो? दोनों के बीच बात बात पर तकरार होती रहती है और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आयशा यानी शर्मिला टैगोर आलिया को समझाने की कोशिश करती है, वो अपना अनुभव बयां करती है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ही विल स्टिल लव यू एंड आई नीड सम स्पेस फ्रॉम दैट लव। अभय यहाँ अपनी आंटी को समझाता है। आलिया इंडिपेंडेंट है, एडवेंचरस है, हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है एंड आई लव दैट अबाउट हर। पर उसकी यही बात मुझे उसकी लाइफ से बाहर फेंक रही है एंड शी इज ओके विद दैट। आलिया एक एक्ट्रेस बनना चाहती है पर अपनी माँ से ये बहाना बनाती है कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाकर डिग्री हासिल करना है। वो एक्टिंग सीखना चाहती है, उस यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर कोर्स एक्टिंग ही तो है। आई एम श्योर यू नोटिस दैट। ये सिर्फ एक बहाना है, जस्ट टू गेट आउट ऑफ हियर। अभय अपने आप को समझा लेता है और आलिया की माँ आयशा को भी कन्विंस कर लेता है। क्या रिस्क, कल के रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइट के बाद ही हम यहाँ है कि नहीं? एक साल के ब्रेक से कुछ नहीं होगा यार। आर यू ब्रेकिंग अप विद मी? अरे नहीं सेंटी सिंह, एवी कॉम्प्लिकेट मत कर। ये ब्रेक अप नहीं है, दिस इज जस्ट अ लिटिल ब्रेक। या आलिया ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई करती है और वहाँ जाकर वो अपनी मौसी के पास रहती है जो काफी सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। नो बॉयज, नो लेट नाइट और 11 बजे के बाद नो फोन कॉल्स। थोड़े दिनों में वो अपनी मौसी से बोर होकर दूसरी जगह रहने चली जाती है। उसका नया दोस्त उसकी मदद करता है। आई हैव बेटर आइडिया, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम एडवांस पे कर दो। $600 फॉर 6 मंथ, यू विल बी सॉर्टेड। व्हाट? यस, दैट्स ऑसम। ये हमारा घर, दिस हमारा बीच, जहाँ सब फूड रेंट पे साइरस द बार, जहाँ मेरा रियल टैलेंट काम आता है। और ये तुम्हारा कमरा। आलिया पार्टी में एंजॉय कर रही है और अभय का इंडिया से फोन आता है। नई जगह नई दोस्त, इस नेचुरल गुलाटी डोंट अज्यूम कि जो तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है वो शेडी। ओके, व्हाई यू फाइटिंग विद मी? आई एम टेकिंग अ ब्रेक। आलिया ज्यादा पी लेती है, उसके कमरे में विक्रम सो जाता है और सुबह सुबह हंगामा खड़ा हो जाता है। आलिया के साथ कुछ गलत हो रहा है ये सोचकर अभय भी ऑस्ट्रेलिया चला आता है। आलिया और अभय के एक जगह एक साथ रहने के बावजूद आलिया अभय को घास नहीं डालती, वो उससे दूर भागती रहती है। We're not over just because you say it. Just let it go, अभय। तुम्हारी चुटकी बजाने से हम खत्म नहीं होंगे। रिश्ता स्पेस से नहीं साथ रहकर बनता है। तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हुई पर मेरी नहीं। वी विल फिक्स दिस। दिमाग तेरा खराब हुआ है अभय। एंड व्हाट डू यू मीन हियर? तू कहाँ रहेगा? यू कैन स्टे हियर ड्यूड। व्हाट? आई लाइक यू। रियली? नो 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 वन सेकंड, तुम और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। क्यों नहीं? बिकॉज़ मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ ना। यू नो व्हाट, यू आर राइट, तुझे क्या रहना ना, तू रह, बट वेयर थ्रू। गुलाटी यानी अभय खाना अच्छा बना लेता है, इसीलिए वो रास्ते पर ही खाने पीने का स्टॉल लगाता है और अच्छा खासा कमा लेता है। नादिया अपने साथ अभय को शामिल करती है और देखते देखते बड़ा होटल बन जाता है और आलिया को भी उसके बर्थडे पर अच्छा ऑफर मिलता है। I'm a casting director on a film. We need an Asian actor and you're good. Auditions have begun but they're on only for 2 weeks. Congratulations for tonight. Call me. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू। अभय को ये एहसास हो जाता है कि आलिया उससे प्यार नहीं करती। मैं इनसिक्योर था क्योंकि तब मुझे एहसास नहीं था कि कोई अपने सपनों को लेकर कितना पैशनेट हो सकता है। बट आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं तेरे और तेरे सपनों के बीच में खड़ा हो गया। आई मेड यू चूज, इट्स नॉट लव, दैट्स सेल्फिशनेस। आलिया ग्रेजुएट हो जाती है। उसकी मॉम आयशा इंडिया से उसे मिलने आती है। तो ये है तुम्हारा बिग सरप्राइज? हाँ, कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। ऑनेस्टली तुम्हारे ग्रेजुएशन से ज्यादा उसकी खुशी है मुझे। मुझे मालूम था ये ब्रेकअप ज्यादा दिन नहीं टिकता। शादी पर ये शादी कहाँ से आई? आई मीन अभय स्माइल्स टू मूव ऑन। आलिया, अभय ने बता दो कि हम सिर्फ दोस्त। हम सिर्फ दोस्त हैं। आयशा यानी आलिया की मॉम नाराज होकर वापस इंडिया चली जाती हैं। आलिया को भी बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी मॉम से झूठ बोला था। आलिया भी अपना डील कैंसिल कर इंडिया वापस चली आती है और अभय वहीं रह जाता है। मैंने अपना सपना नहीं चुना माँ, उसने मुझे चुना है। पर उसके लिए मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ। अगर मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी तो आपके साथ, और अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इंतजार करूंगी। आई एम सो सॉरी आलिया, तेरा सपना गलत नहीं था बेटा, बस तेरा रास्ता गलत था। आयशा अपनी बेटी आलिया को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज देती है अपने सपने पूरे करने के लिए। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया वापस आकर आलिया अभय गुलाटी से मिलती है। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तू यहाँ नहीं आती, मैं दिल्ली में पड़ा पड़ा सड़ जाता, फिर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। सो थैंक यू। सीइंग एनीवन? यस, मिस्टर कुंजरू की बेटी, मिस्टर अग्रवाल फ्रॉम न्यूयॉर्क की भांजी, मिसेस श्रीवास्तव की तीन भतीजी, प्रीति की गायनेकोलॉजिस्ट की पड़ोसी की सौतेली बेटी हु इज आल्सो ए गायनेकोलॉजिस्ट, और मिस्टर वांचु की दोनों बेटी दोनों आज गए। सर प्रीति, बहुत बार अकेले इंडिया जा रहा हूँ क्योंकि भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर शादी करने के लिए। डोंट रिजिस्ट गुलाटी। रिजिस्ट व्हाट? शादी। एनी गर्ल वुड बी लकी टू गेट योर लव। और तू खुश है? मैं खुश रहना सीख रही हूँ। अभय शादी करने के लिए इंडिया आता है। इंडिया आकर वो अपनी बुआ से बात करता है। बुआ उसे समझाती है, प्यार तेरे अंदर है बेटा जी, अपने दिल को उसके रुई के पैडिंग से बाहर निकाल और उसे अपना काम करने दे। ऐसे छोटे मोटे हादसों से कुछ नहीं होने वाला उसे। और अगर इतना ही संभाल के रखना था, तुम सब कुछ चाहते हो और चाहते हो कि दर्द भी ना हो। शादी का प्लान बनता है और अभय ऑस्ट्रेलिया में साइरस को फोन करके शादी की बात बताता है। ऐसा बताया भी नहीं। बता देगा ये मस्त भी बिजी। क्यों, क्या हुआ? आप परेशान होने से क्या होगा? मैं कहाँ परेशान हूँ यार, आई एम हैप्पी फॉर हिम। बस एक फोन तो कर देता। बट यू ब्रोक अप विद हिम। सो ही इज मूव्ड ऑन। या पर नॉट ऑन अदर प्लेनेट ना। आर यू ऑलराइट? यस। आर यू श्योर? लिसन, आई एम फाइन। ओके। नो, यू आर इन लव विद अभय। आलिया परेशान हो जाती है, अभय को फोन करती है मगर अभय फोन उठाता नहीं। आलिया फौरन इंडिया आती है। अभय गुलाटी, आई लव यू। ये अंगूठी तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें उनकी बहू के लिए दी थी। सालों तक उसे मेरा नाम लिखा था। फिर बड़ी मेहनत से मैंने वो सब बर्बाद कर दिया विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। बट एनीवे द पॉइंट इज कि अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है। आलिया परेशान होकर वेडिंग कार्ड देखती है, उस पर उसका नाम लिखा होता है। आलिया, तुम मुझसे शादी कर रहे हो? No, look, it's आलिया। फिर से शादी करने के लिए मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। मैंने वादा किया था। फिर चाहे जितनी भी सिर फिरी, बेवकूफ, इमैच्योर, माइंड ब्लोइंगली स्टूपिड हरकतें क्यों न करें। शादी हो जाती है और कुछ साल में बच्चा भी हो जाता है। जिंदगी खुशी से गुजरती है। सारा मम्मी डैडी को इतना प्यार करती है कि वो ऑस्ट्रेलिया से भागे वापस आई उनके साथ रहने के लिए। ब्रेकअप होने के बाद। So just a little break. What does little break mean, Charu? Oh, shut up, Sunita. तो दोस्तों, ये थी आपके मनोरंजन के लिए दीपिका पादुकोण और इमरान खान की डिफरेंट लव स्टोरी। ब्रेक के बाद।